काम करना चाहिए कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकूं। देखिए तो फुल्ली डिपेंड आपके ऊपर होता है। आई एम जीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके और अपनी लाइफ को ग्रो कर सके अकाउंटेंट फील्ड के अंदर। बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मुझे डीएम मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम से। अगर इंस्टाग्राम को आप फॉलो नहीं किए तो प्लीज फॉलो करें, वहां पर भी मैं चीजें अपडेट करता हूँ जो भी मैं करता हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा मैं क्या कहने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और क्या चीज आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, क्या चीज सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो सारी चीजें जानने वाले इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, और अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो पहले आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि ये वीडियो चालू करने से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और वीडियो बनाने के। तो हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर अकाउंटेंट के बारे में, अकाउंटेंट कैसे बने और क्या चीज सीखे, कैसे सीखे, कहाँ सीखे, जो आपकी अकाउंटिंग की जो जर्नी है, जो अकाउंटेंट बनने का एक ख्वाहिश, एक ड्रीम है जो लोगों का, वो फुलफिल हो सके। देखिए सबसे पहले मैं बताने चाहता हूँ कि अकाउंटेंट कैसे बना जाता है। देखिए मैं भी जब मैं पास में अगर मैं जाऊँ तो बहुत सारे मन में सवाल थे, कोई गाइड नहीं था। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा मेरे घर में ना कोई ऐसा अकाउंटेंट है, मैं फर्स्ट ऐसा हूँ जो मैं अकाउंटेंट बना हूँ। आई एम स्टिल लर्नर, क्योंकि मैं अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ये नहीं कहता मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीख लिया हूँ, लेकिन जो भी मैं करता हूँ वो मेरे क्लाइंट मेरे से सेटिस्फाइड होते हैं। मैं उनका काम बखूबी अंजाम देता हूँ, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ। और रही बात कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सीखता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, तो अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि मैं बहुत ज्यादा सीख गया हूँ, हमेशा स्टिल लर्नर ही बन कर रहना। क्योंकि नई नई चीजें जब आप सीखेंगे, जब अपने आप को ये कह देंगे कि मैंने बहुत कुछ सीख गया, तो शायद आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें ज्यादा आप प्रोग्रेस नहीं कर सके। देखिये हमेशा अपने आप को हमेशा लर्नर समझना, जो भी चीजें हैं आप सीखते रहना, अगर कुछ ज्यादा सीख गए तो उससे ज्यादा सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हमेशा अपनी चाह को आगे बढ़ाते रहना है। देखिए अकाउंटेंट बनने के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें बता दिए जाते हैं, लेकिन जो मैं ये बताने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे नॉलेज से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सीखा है, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे बना और कैसे आपको बनना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं शुरुआत किया था सी फर्म से, जो अभी तक मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, और फिर मैंने यूट्यूब चालू किया, जैसा कि आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके कारण मैं यहाँ पर करता गया और अपने नॉलेज को इनहेंस करता गया। और अकाउंटेंट बनने की जो प्रोसेस है, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि ये बहुत टफ चीजें हैं, बहुत टाइम लगता है, ये सारी चीजें माइंड में आती रहती है, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अकाउंट बनने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए विथ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत कम ही लोग करते हैं। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए अकाउंटेंट बनने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, 12 भी पास किए, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन ये अपने आप माइंड में नहीं रखना है कि क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ, मैं 12 पास हूँ, मैं ग्रेजुएशन हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने देखा है जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, मीन्स वो अलग बैकग्राउंड से रहते हैं, जैसा कि साइंस साइड है, आर्ट साइंस है, ये सारी चीजें, ये बहुत माइंड में रहता होगा कि क्या सिर्फ कॉमर्स वाले अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, आप अगर साइंस साइड से, आप आर्ट साइंस से, तो भी आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, वो सारी चीजें जो अकाउंटेंट फील्ड में काम करती है, राइट। अब रही बात सीखने का, कहाँ हम सीखे जहां पे एक बेहतर अकाउंटेंट बन सके, ये बहुत सारे लोगों का मन में कि रहता है कि यार कहाँ सीखा जाए जिससे मुझे अच्छी लर्निंग मिल सके। देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि कहाँ सीखनी चाहिए, तीन चीजें, ऐसी चीजें मैं शेयर करता हूँ। अगर मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, कहाँ आपको सीखने लिंक में दे दूंगा, आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, सी एफ एम मेरे लिए बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं इनकी जो खामियां नहीं, मैं इनकी अच्छाइयां बताने चाहता हूं। देखिए खामियां समय होती है, अगर अच्छाइयां आपको ढूंढना आता है तो आप ढूंढ सकते हैं, नो डाउट।
देखिए वहां पर जो चीजें होती है बहुत अच्छी सिखाई जाती है आपको, एक बेसिक चीज से जहां से आपकी फाउंडेशन भी एक अच्छा हो, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग एक बेस्ड होती है, एक लेवल होती है सीखने के, लेकिन टैक्सेशन का कोई लेवल नहीं होता वहां पर। आप इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टीडीएस है, बहुत सारे ऐसे भी हैं टैक्स में जो सिखाई जाती है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस पे फोकस करते हैं, किस चीज पे आप ज्यादा लर्न करते हैं। देखिए सीएफएम बहुत बेस्ट है, उसके बाद लॉयर हो गया अगर आप लॉयर की तरह सीख रहे हैं, और कोई सीनियर अकाउंटेंट करते हैं। देखिए डिपेंड आप पे होता है कि आप कहाँ सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, बट नॉलेज एक्वायर करने आना चाहिए, राइट। वो मेरा पर्पज है आप लोगों को समझाना कि बस नॉलेज को कैप्चर करने आना चाहिए, बाकी आप तो अंजाम दे ही रहे अपने काम को, राइट। देखिए अकाउंटेंट बनने के लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। सीखना और सिखाना ये आप पे निर्भर करता है। लाइक अगर आप फ्रेशर हैं, आप जा रहे हैं कहीं सीखने के लिए, आप सोच रहे हैं कि मुझे सिखाया जाएगा, ये चीजें जो मन में है कि यार कितने दिन तक काम करना चाहिए। भी बहुत सारे लोगों को कहना है कि कितने दिन तक काम करना चाहिए कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकूं। देखिए फुल्ली डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप कितने सालों में आप सीख सकते हैं, कितने दिनों में आप सीख सकते हैं, कितने महीनों में आप सीख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड होता है। तो आप अगर जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, आप चाहे वहां सीखें, जो भी चीज बताया जाए वो सीखे। और एक मैजिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, कि आप अगर जो भी चीज सीख रहे हैं, आप घर पे जाए, आप वहां पर वो चीजें प्रैक्टिकली करें। अगर आपके पास लैपटॉप, पीसी, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल, वो सारी चीजें जो सीख रहे हैं वहां पर भी जाए, आप देखें उस चीज को समझे। और ऑनलाइन वीडियोस बहुत है अवेलेबल यूट्यूब पर, है ना। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो गूगल है, आप गूगल करो, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। डिजिटल का जमाना है, उसे जैसे आप यूज करेंगे आपके ऊपर है, जितना आप नॉलेज लेंगे वो आपके ऊपर है, आपको फायदा है आगे चल के। और मैं यही करता था जब मैं यहाँ पर सीखता था, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता था अवेलेबल थे, जैसा कि अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, और आज भी मैं वही करता हूँ। अगर कहीं भी देखिए कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फंसता नहीं है, मीन्स जो सब कुछ जानता हो। देखो एक सीए भी होता है, कभी कभी वो थोड़ा सा स्टक कर जाता है, अटक जाता है अपनी चीज नॉलेज पर, लेकिन ये नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहता। अगर आपको आ रहा है, नॉलेज आ रही है आपको कहीं से, आपको मिल रहा है, तो आप उससे ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करें। ये मेरी जो थॉट्स है, ये मेरी जो एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो चीजें आप सीख रहे हैं उस चीजों को आप करें, अपने घर पर जाए वही चीज को रिवाइज करें। वो रिवाइज करने से ना आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको जो बेसिक चीजें वो तो क्लियर हो ही रहा है। और सीखे, मन लगा के सीखे, स्किल नॉलेज और जो भी चीजें, फोकस से आप अपने काम को अंजाम दें। आई होप सो अकाउंटेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई 30 मार्क खान ही है अकाउंटेंट बनना। लोगों को जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अकाउंटेंट नहीं बन सकता, और एक जॉब का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। लोग कहते हैं कि अकाउंटेंट में कोई स्कोप नहीं, जॉब नहीं। नहीं भाई, अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत स्कोप है, अगर नहीं है तो आप घर पे बैठे रहें, आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपको एक कहावत है कि अगर आप प्यासा है तो आप कुएं के पास जाएंगे, ना कि कुआं आपके पास आएगा, तो सेम थिंग हर जगह अप्लाई होता है। इवन यहाँ पर भी आपको यही अप्लाई होगा कि अगर आपको नॉलेज की जरूरत है, आप चाहें सीखें, और सीख सीख कर लोग पंडित बनते हैं। एक ये भी बात है, अगर आपको सीखना है तो लोगों से पूछे, अपने सीनियर से पूछे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा पूछूंगा तो मैं बोलेंगे क्या ये सोच रहा है, कैसा है ये, इसको आ नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ज्यादा पूछेंगे, आपको ज्यादा अगर दिलचस्पी है सीखने का, तो सामने वाला भी आपको बताने के लिए कोई प्रॉब्लम, यानी कोई ये भी नहीं सोचेगा कि यार ये बहुत ज्यादा पूछा। तो उसको सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए कि इसके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ सीखने का, ठीक है, वहां सीखे। और जो भी चीजें मैं बताया, अगर सच में अगर इसे अप्लाई करते हैं अपने लाइफ के अंदर, अगर अकाउंटेंट बनने की राह सोच रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये आपको बहुत बूस्ट करेगा आपके लाइफ में। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा हो, और अगर अच्छे लगे प्लीज लाइक करें, अगर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।